नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि PTT 2019 का परिणाम 30 मई को आ चुका है, इसके बाद अब बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें ये पूछा जा रहा है कि सर, PTT का रिजल्ट तो आ गया, इसके बाद जब इसकी काउंसलिंग शुरू होगी तो इसकी फ़ीस भरने की प्रक्रिया क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ भाई कि जो फ़ीस भरनी है, तो पहली जो फ़ीस हम पहले बैच कह चुके हैं आपको कि PTT में दो प्रकार से फ़ीस, एक तो आपको काउंसलिंग फ़ीस लगेगी और दूसरी होती कॉलेज फ़ीस। तो कॉलेज फ़ीस कहाँ जमा करनी है इसके बारे में। दूसरी जो कमेंट्स पूछा जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कि MBC वाले जो हैं इनको आरक्षण मिलेगा या नहीं। जो MBC वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, क्या हमें आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्नातक में 60% मेरे अंक हैं, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरे 80% अंक हैं, क्या मुझे मिलेगी स्कॉलरशिप या नहीं। तो इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको बता दें, यह राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो कि PTT और BSTC से जुड़ा हुआ है और आपकी सभी समस्याओं को हल करने में प्रयासरत है। मैं आपको बता दूं, यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले प्रश्न की ओर ले चलते हैं, कॉलेज एडमिशन फ़ीस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि क्लियर है कि PTT का रिज़ल्ट आ चुका है, अब जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी उसमें मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग फ़ीस आपकी जो 5,000 रुपये वो लगेगी। इसके बाद आपको चालान नंबर मिल जाएंगे, ये चालान नंबर आपकी ID है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब आपको अब बार बार ई मित्र पर जाना होगा या फिर अपने घर पर ही मोबाइल पर PTT की वेबसाइट खोल के आप चेक करते रहें, जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए आपको क्या करना है कि PTT की साइट पर जाना है, आपको अपने चालान नंबर डालने। तो जैसे ही चालान नंबर डालोगे तो आपको बिल्कुल आपका डिटेल एड्रेस सब खुल जाएगी, उसके नीचे हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अब इसमें दोस्तों, जोन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। इसके नीचे आपको जो है ऑनलाइन फ़ीस भरने का विकल्प भी दिया जाएगा, जिसे आप ई मित्र पर जाके भर सकते। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसके नीचे बिल्कुल डिटेल मिलेगी आपको कि आप इस अमुक बैंक की शाखा में जाएँ और जा कर के इतनी फ़ीस, लगभग 22,000 समथिंग, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, लगभग इतनी फ़ीस जो निजी शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट जो कॉलेज, उनमें आपकी लगेगी। आपको वहाँ जा कर के इस फीस को भर देना है। अब बात कर लेते हैं MBC आरक्षण की। तो MBC आरक्षण की आपको मैं बता दूं कि इसके संबंध में एक वीडियो मैंने बनाई भी है, जिसमें आप देख लें कि MBC वाले जो छात्र हैं इनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि एक न्यूज़ भी आई है जिसके ऊपर ये वीडियो बन चुकी है कि प्रदेश में MBC को 25,000 नौकरी अब देने की प्रदेश में तैयारी चल रही है। दोस्तों, बता देते हैं कि MBC में गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण के संबंध में बड़ा फैसला 18 जून को होने जा रहा है। एक मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होने वाली है 18 जून को, उसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा नौकरियाँ, या यूँ कहें कि लगभग 30-32 वैकेंसी ऐसी है जिनमें से 15 वैकेंसियों में तो बैकलॉग चल रहा है, उन बैकलॉग के अकॉर्डिंग उनको नौकरियां दी जाएगी, और कुछ 15-17 विज्ञापन ऐसे हैं जो प्रक्रिया अधीन भर्ती हैं उनमें इनको आरक्षण देने की कवायद चल रही है। 18 जून को होने वाली इस बैठक में इस चीज़ को आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका 5% का आरक्षण होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स ऐसा लिखा हुआ है, एज पर गवर्नमेंट रूल ऐसा आपके उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो आपको ये फैसला MBC के आरक्षण का स्पष्ट हो पाएगा 18 जून के बाद। अब बात कर लेते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की कि स्नातक में 60% वालों को स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दें कि BEd जो है ये प्रशैक्षणिक कोर्स है। प्रशैक्षणिक कोर्स के अंतर्गत क्या होता है, आपको बता दें कि अंकों के आधार पर कोई स्कॉलरशिप दे नहीं है, केवल सामाजिक अधिकारिता विभाग के द्वारा SC और ST वाले विद्यार्थियों को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पर आपको बता दें, राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत अंकों के स्नातक के अंकों के आधार पर कोई स्कॉलरशिप दे नहीं है।
इसलिए आपको बता देते हैं केवल सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा जो समाज के जो जुड़े हुए विद्यार्थी उनको ये स्कॉलरशिप दे होती है, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरियाँ जिनमें भूतपूर्व जो शहीद हुए उनके बच्चे, एकल महिला के जो बच्चे, उनको ऐसी स्कॉलरशिप दे होती है। इसके अलावा अंकों के आधार पर यहाँ कोई स्कॉलरशिप दे नहीं होती है। तो आज हम कुछ कमेंट्स थे, कुछ समस्याएं प्रश्न थी जिनको लेकर के ये वीडियो लेकर के आए आपके सामने। आपके भी यदि किसी प्रकार की ऐसी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।